हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे सवाल करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे। जी हां, खैर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आपका फोन सुरक्षित है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत है। कैसे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारे इंडिया में कुल मिलाकर 2.7 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स है, और जितने स्मार्टफोन यूजर्स है उतने ही ऐप यूजर्स भी है। खैर, इनमें से कुछ ऐप ऐसे हैं जो कि आपके फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये ऐसे ऐप है जो कि आप हम रोजाना यूज करते हैं, और ये कुल मिलाकर कुछ 59 ऐप है जो कि चाइना जैसे झूठे और नकली है। और आप हम सभी को पता है कि चाइना सदियों से झूठ बोलता आ रहा है और ये आज भी झूठ बोलता है। खैर, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं झूठे ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये ऐप आपको और आपके फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनको कैटेगरी वाइज। तो आज की हमारी पहली कैटेगरी है वीडियो और कैमरा ऐप की, जिसमें से टिकटॉक समेत कवाई, हेलो, लाइकी, यूकैमिक, बीगो लाइव, बीगो वीडियो और कैम स्कैनर, ये सभी ऐप आज इंडिया में बैन कर दिए गए। ये ऐप इतने घटिया है कि हमारे यूथ का समय बर्बाद कर रहे हैं और आज छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को अपने जाल में फंसा रहे हैं। और इन्हीं ऐप की मदद से आज चाइना की कंपनीज करोड़ों डॉलर कमा रही है। तो आप भी अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहते तो आज ही ये ऐप अपने फोन से हटा दीजिए। हमारी सेकेंड कैटेगरी है वायरस साफ करने वाली कैटेगरी। खैर, ये ऐप वायरस साफ करती है या आपके फोन का पर्सनल डेटा, ये खुद जाने। पर ऐसे ऐप यूज करते समय आपने एक बात नोटिस की है कि ये ऐप आपको ऐसे एड्स दिखाता है जिसे आपने पहले कभी सर्च किया हो, क्योंकि ये ऐप कुछ इस प्रकार काम करती है जिसमें आपके फोन के सभी फाइल्स और ऐप स्कैन करती है, जिसमें आपका पर्सनल डेटा इनके पास पहुंचने का खतरा रहता है। और ये कंपनी चंद पैसों के लिए आपका पर्सनल डेटा किसी और कंपनी को बेच देते हैं। तो आज ही अपने फोन से ऐसे ऐप निकाल दीजिए जो कि आपका वायरस साफ करते करते कहीं पर्सनल डेटा ना साफ कर दे। खैर, सरकार ने कुल मिलाकर 59 ऐप इंडिया में बैन किए, जिसकी लिस्ट आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप भी इस लिस्ट में से किसी भी ऐप को यूज करते हैं तो आज ही अपने फोन से हटा दीजिए और अपने देश को और अपने आप को सुरक्षित कीजिए। जय हिंद।